तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए आज दोपहर में हमारे यहाँ क्या बनने वाला है लंच में। आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल और लाल साग, जिसको लाल भाजी भी बोलते हैं। तो दाल चावल तो दोस्तों सबको बनाना आता ही है, तो आज हम आपको ये साग का फुल रेसिपी दिखाएंगे, लाल साग और बरी का फुल रेसिपी। चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना साग और बरी का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा बरी के साथ लाल साग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से करके इसका पीछे का जो डंठल है उसको इस तरह से निकाल लेंगे और साग को बारीक बारीक काट लेना है। सारे साग को इसी तरह से काट लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, साग को मैंने अच्छी तरह से काट के धो लिया है, इसको आपको भी इसी तरह से काट लेना है और अच्छे से फ्रेश पानी में 4 से 5 पानी धो लेना है। और ये देखिए साग बनाने के लिए हम लोगों को लगेगा, ये मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया है, 3 हरा मिर्ची, 2 कली लहसुन का है और ये इतना बरी ले लिए हैं और 1 बड़ा प्याज। बड़ा प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पहले हमें कढ़ाई चढ़ा लेना है, गैस कर लेते हैं ऑन और कढ़ाई को हम लोग अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें 2 बूंद तेल डाल लेते हैं और बरी को फ्राई करके पहले निकाल लेंगे। ये देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। अब बरी को डाल के इस तरह से हम लोग को इसमें हल्का फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। तेल एकदम 2 बूंद ही देना है। फ्राई करके इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से रोस्ट हो रहा है, इसको 1 मिनट तक और रोस्ट कर लेंगे पलट पलट के, नहीं तो साग में डालने के बाद ये कच्चा कच्चा लगेगा। इसको अच्छे से लाल फ्राई कर लेना है। ये देखिए बड़ी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसको इस तरह से निकाल लेना है। बड़ी को निकाल के अलग कर लेते हैं। और ये देखिए कढ़ाई हमारा गर्म है, तो इसी में हम थोड़ा तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। और अब हम इसमें अपना डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन। कढ़ाई गर्म था तो देखिए तेल भी कितना जल्दी गर्म हो गया। अब डाल देते हैं मिर्ची। थोड़ा सा डालेंगे मंगरेला। साग में मंगरेला बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, टेस्ट इसका अच्छा आता है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। इसको चला लेते हैं। अब ये देखिए लहसुन हमारा अच्छे से तेल में पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। इसमें अब तक प्याज को भी भून लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है, इसमें हम डाल देंगे छोटा 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसको भी चला लेते हैं इस तरह से और डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर एकदम कम देना है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए। ये पहले से भुना हुआ है हमारा जीरा पाउडर, जो हम घर में ही बना के रख लेते हैं। और ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए हमारा प्याज भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये कटा हुआ साग। देखिए साग को हमने इस तरह से डाल दिया है, अब इसको अच्छे से एक बार चला लेते हैं। इसको चलाने के बाद हम लोग इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के बाद इसमें नमक डालेंगे। और चलिए इसको एक बार खोल के चेक कर लेते हैं और एक बार इसको चला लेंगे। साग अभी हमारा अच्छे से गला नहीं है, अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से साग बहुत जल्दी से गल जाएगा अच्छे से। नमक स्वाद अनुसार देना है और साग में नमक थोड़ा कम ही देना है, क्योंकि साग जो है वो हमारा गल जाता है।
ये देखिए इसमें हम नमक डाल दिए हैं और इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब एक जो टमाटर हम अलग करके रखे हुए थे ये देखिए उसको हम बारीक काट लिए हैं और अब टमाटर भी डाल देंगे, तो नमक के साथ टमाटर और साग दोनों साथ में ही गल जाएगा। और इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे ढक के। और अब ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है, इसको एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। और देखिए हमारा साग और टमाटर कितने अच्छे से गल गया है, इसको इस तरह से अच्छे से चला लेंगे पीस करके। देखिए साग हमारा अच्छे से गल के एकदम मैसी हो गया है, इसको खोल के 2 मिनट तक भूनने देते हैं। तब तक हम जो है चलिए बरी को तोड़ लेते हैं। बरी को इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेना है। सारा बरी को इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। ये देखिए सारा बरी को हम इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब इसको साग में डाल देते हैं। चलिए इस तरह से हम अपना तोड़ा हुआ सारा बरी साग में डाल देंगे और इसको अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट तक इसको भूनने देंगे बरी के साथ। और ये देखिए 3 मिनट हो चुका है, एक बार हम इसको देखिए अच्छे से चला लेते हैं। और ये हमारा देखिए साग बरी कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हमारा बन के तैयार है खाने के लिए। अब ये हमारा एकदम तैयार है, अब हम लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? बरी के साथ लाल साग ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग भी अपने अपने घरों में एक बार इस तरीके से साग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर हमारा ये आज का वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं कल एक फिर नए रेसिपी के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।